तो आज हम लोग लैमिनार फ्लो या स्व-व्यवस्थित प्रवाह के बारे में जानते हैं। तो लैमिनार फ्लो या स्व-व्यवस्थित प्रवाह होता क्या है? प्रवाह दो प्रकार का हो सकता है, एक लैमिनार और दूसरा उपद्रवी। लैमिनार फ्लो चिकनी और व्यवस्थित होती है और कोई मिश्रण भी नहीं होता है, बल्कि उपद्रवी प्रवाह अव्यवस्थित होती है। यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं कि कैसे लैमिनार फ्लो में कोई मिश्रण नहीं है, जबकि उपद्रवी में मिश्रण होता है। अब आप भी लैमिनार फ्लो अपने घर पर कैसे देख सकते हैं? तो इसको देखने के लिए बस एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। उस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको गुब्बारा, टेप और पिन चाहिए। सबसे पहले उस गुब्बारे को पानी से भरें और उस पर डक्ट टेप चिपकाएं, जिससे बीच में एक चौकोर बने। यह चौकोर का आकार 5 मिलीमीटर × 5 मिलीमीटर का होना चाहिए। अब पिन की मदद से इस चौकोर में एक छेद कर दें। अब चले देखते हैं कि यह कैसा लगेगा। अब लोग पानी जमा हुआ लगता है और कुछ हद तक कांच जैसा भी लगता है, लेकिन गति में बदलाव होने की वजह से थोड़ी दूर जाने पर यह जमाव टूट जाता है। तो चलिए जानते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर का इस्तेमाल लैमिनार और उपद्रवी प्रवाह में अंतर करने के लिए किया जाता है। यह गति और चिपचिपाहट पर निर्भर करता है। अगर यह अंक छोटा हुआ तो प्रवाह लैमिनार होता है। चलिए अब लैमिनार फ्लो के कुछ मजेदार उपयोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लैमिनार फ्लो कैबिनेट। लैमिनार फ्लो कैबिनेट का इस्तेमाल जैविक नमूने, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वेफर को प्रदूषण से खराब होने से बचाया जाता है। इसमें हवा अंदर की तरफ खींची जाती है और लैमिनार प्रवाह में उपयोगकर्ता की तरफ बहती है। हवा की इस दिशा की वजह से नमूना उपयोगकर्ता से सुरक्षित रहता है। दूसरा है लैमिनार फ्लो फाउंटेन। यह दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं और इसकी व्यवस्था कुछ हद तक हमारे एक्सपेरिमेंट जैसी ही होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको लैमिनार फ्लो समझ आया हो और आप यह एक्सपेरिमेंट भी जरूर करके देखेंगे। धन्यवाद।